प्रिय छात्रों, आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपको 1,25,000 रुपये की छात्रवृत्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको PMSSB योजना परीक्षा 2023 की तैयारी करा रहे हैं। आपको हमारे सभी वीडियो देखना है और 1,25,000 रुपये आप प्राप्त करें। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको हमेशा याद रहते हैं, नहीं तो आप 50 बार पढ़ते रहेंगे फिर भूल जाते हैं। ऐसा अपने द्वारा नहीं होता है, हम आपको जैसा समझाते हैं वैसा ही आपको याद बना रह जाता है और परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप 100% आंसर सही करके आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर कि सन 2014 का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ए बच्चों दिया गया था कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई। किसको दिया गया था? ये कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं और बच्चों से संबंधित माने बच्चे बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कई कारखानों में बच्चे छोटे बच्चे काम करते हैं और कई जगह बच्चों को किडनैप करके कहीं बाहर ऐसे भेज दिया जाता है, तो उन बच्चों को बचाने का भी ये लगातार काम करते रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखें। यह जो प्रश्न है बहुत ही सरल है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। किस खेल में 20-20 मैच खेले जाते हैं? तो इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा इसका आंसर। तो क्रिकेट में 20-20 मैच खेले जाते हैं, वनडे मैच हो या फिर टेस्ट मैच हो, ये क्रिकेट में खेले जाते हैं। आपका प्रश्न है चिल्का झील कहाँ है? आपका क्या प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ है? तो बच्चों चिल्का झील है, जो आपकी चिल्का झील है बच्चों, ये आपकी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अपन कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हमने कहा कि चिड़िया उड़ी, हमने क्या कहा कि चिड़िया उड़ी, ये आपको याद रहेगा कि सर ने बोला था चिड़िया उड़ी। चिड़िया उड़ी से मतलब है आपकी जो चिल्का झील है ये कहाँ पे है? आपकी उड़ीसा में है। इस तरीके से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। सोडियम का संकेत है, तो आशा करते हैं आपको संकेत याद होंगे। सोडियम का क्या संकेत है? तो सोडियम का संकेत बच्चों Na होता है और इसका बच्चों परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। आवर्त सारणी के बच्चों ये प्रथम समूह में है। जो प्रथम समूह जो तत्व हैं उनको हम धातुएं बोलते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम समूह में जितने भी तत्व हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए। और आपने नमक का सूत्र याद किया होगा NaCl, तो Na क्या है? सोडियम है और इसका परमाणु क्रमांक भी हमने आपको बता दिया है। जितने इम्पोर्टेंट होती है वो आपको बताते चलते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है देश का? तो देश का सर्वोच्च न्यायालय आपका बच्चों दिल्ली में है। कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है। कई बार वो राज्यों से प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश से पूछा गया कि मध्य प्रदेश का उच्च राज्यों में उच्च होते हैं और अपने देश का जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है, तो प्रदेश का उच्च न्यायालय ऐसा पूछा जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो हमने पूछा कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है आपका? जबलपुर में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बच्चों स्थापना कब हुई थी? ए 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब है आपका
कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है, तो सेवा क्षेत्र से आपका संबंध है बीमा का। जो इंश्योरेंस बोलते हैं, बीमा बोलते हैं, आपके घर आते हैं, 10 बार आते हैं कि सर बीमा करा लो, तो एक सेवा क्षेत्र ही है बीमा आपका। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हर बार पूछा जाता है, इस बार परीक्षा में ही आएगा, देख लेना आप। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया था, और सती प्रथा उस समय से बंद हो गई थी। ये भी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहा है प्रश्न। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे, देखो आपके, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, तो अपने भारत देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है बच्चों वो कौन सा है, केरल। ये भी पूछेंगे आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है, कम है तो आंसर आपका बिहार हो जाएगा आंसर, ज्यादा है तो केरल। तो हमने आपको बताया कि आपको याद रखना है कब, आप कहोगे सर ये प्रश्न कब आया, तो ये प्रश्न कब नहीं आया ये बताओ, हर परीक्षा में प्रश्न आया है, ये प्रश्न कब नहीं आया है, हर परीक्षा में आया। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरल है, और सबसे कम साक्षर राज्य आपका बिहार है। नमक का दरोगा कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी गई, तो पुस्तकों से हमेशा प्रश्न आता है, तो नमक का दरोगा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मानचित्र में समुद्र किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो मानचित्र में समुद्र जो है नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपका निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, इससे हमेशा परीक्षा में आपका प्रश्न आता है, तो जो खरीफ की फसल है इसका आंसर है आपका धान। खरीफ की फसल है तो इसका आंसर आपका क्या है, धान। अब आपका वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है, माने आप जब मतदान करने जाते हैं, जब आप वोट डालने जाते हैं, तो आपकी कितनी आयु, आप कितने साल के होने चाहिए, तो ये आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा है। तो आप सभी को पता है मतदान करने की आयु, न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, तो कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए तो आप मतदान कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, माने UNO, क्या कहा हमने कि UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये कब हुई थी, ये आपकी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम यह है विश्व में शांति बनाए रखना। अब है आपका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी परीक्षा में हमेशा पूछा गया प्रश्न है।
किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं जो गुगली शब्द जो है क्रिकेट के लिए प्रयोग, जब बॉलिंग करते हैं तो गुगली बॉल फेंकते हैं तो गुगली शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट के लिए प्रयुक्त तो किया जाता है। तो ऐसे ही सरल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? माने वायु प्रदूषक नहीं है, जो वायु का प्रदूषण नहीं करता है, वायु प्रदूषित नहीं होती है जिससे, वो कौन है? तो आप सभी जानते हैं जो ऑक्सीजन गैस है वायु प्रदूषण कहाँ करती है, ये तो हवा को शुद्ध करती है। तो O2 जो है ऑक्सीजन जो है ये वायु प्रदूषक कैसे हुई? पूछा है कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो O2 नहीं है। अब है वेदों की संख्या है, जो वेद हैं आपके, आप सभी को पता है वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो वेदों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। फिर वही प्रश्न आपके सामने है, मतदान की आयु है, तो मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न तो आना ही है। किस गैस रिसाव ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली थी? तो 2-3 दिसंबर 1984 की बात है, 2-3 दिसंबर 1984 की बात है। एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, तो उस फैक्ट्री से MIC गैस का रिसाव हुआ था और हजारों लोग उसमें मारे गए थे। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसी तरह आप हमारी सभी वीडियो देखें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो।